स्वागत है जी आपका एक नए शानदार कमाल वीडियो में। सबसे पहले आप सभी लोगों को यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और इस 15 अगस्त के अवसर पे लेके आ गए जी आपके लिए एक बहुत ही कमाल गिव अवे। ड्रीम कम्स ट्रू, ऐसा है क्या? हाँ जी, आज जो हम गिव अवे करने वाले हैं, आज नहीं करेंगे, रिजल्ट इसका कब आएगा, कैसे आएगा, बहुत ही कमाल गया यार मुझे BenQ ने, इसके बारे में बात अभी करेंगे। तो बहुत ही कमाल का एक मॉनिटर भेजा है यार। दिस मॉनिटर इज़ फॉर कोडिंग पीपल। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोडिंग करते हैं, तो जो ये आपके लिए है। सो स्टाइलिश मॉनिटर, आई केयर टेक्नोलॉजी, विद आई केयर टेक्नोलॉजी, आँखों का, क्योंकि भाई 8-8 घंटे 7-7 घंटे बैठे रहना सिस्टम के आगे, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है ये मॉनिटर। तो BenQ ने मुझे भेजा, तो मैंने कहा यार भेज तो रहे हैं, एक गिव अवे कर सकते हैं हम, तो मैंने कहा ठीक है। दूसरा, ये क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में बात अभी करेंगे। इस डब्बे को खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं, और बाकी आपको पता है गाइस हमारे चैनल पे ऑलरेडी गिव अवे चल रहा है, जिसका रिजल्ट 29 अगस्त को आएगा, और अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसमें भी आप कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। बाकी इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 15 अगस्त को, 15 सितंबर को इसका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है अपना एक बढ़िया सा, खराब सा भी कर सकते हो। हमारे कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, बस जी इतना है और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको खुद मेल डालूंगा अगर आप विनर बनोगे, जैसा होगा सब कुछ मैं खुद बताऊंगा। मेरे नाम से आईडीज बन जाती हैं, लोग मैसेज कर लेते हैं कि भाई हम टेक्निकल सुनेजा की टीम से बोल रहे हैं, आप विनर हैं, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, इस पे, इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करना, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करेंगे। ये स्क्रीन बार है, बढ़िया कमाल की चीज़ है यार, बट गिव अवे खाली मैं इसका कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तुम बाय कर लेना, ठीक है। बट कमाल की चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले गाइस डब्बा हम ओपन कर लेते हैं। वैसे पता है आपको, ये बेस्ट मॉनिटर है फॉर कोडिंग पीपल। जितने इंजीनियर्स हैं 7-7 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, आंखें ख़राब होती हैं, तो आई केयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इनकी खुद की ऐप भी है, और क्या टेक्नोलॉजी है क्या है भी बताता हूँ सारे फीचर्स, रुक जाओ। भाई टूट ना जाए यार, गिव अवे अभी हो जाएगा फिर है। क्या भैया, डब्बे से आप निकाल ही नहीं पा रहे यार। 2 hours later ओके, पता है खास बात क्या है गाइस इसकी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पोर्ट्रेट 90 डिग्री पे मोल्ड कर सकते हो। कमाल है यार BenQ का ये बढ़िया बढ़िया मॉनिटर हमारे पास आ गया है। 27 इंच का है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 24 इंच, एक 27 इंच। मेरे पास 27 इंच का है, बट जो मैं गिव अवे करूँगा वो 24 इंच वाला होगा। जो बात है यार, बहुत क्लियर ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज गिव अवे मैं खुद कर रहा हूँ, ब्रांड नहीं कर रहा है यहाँ पे, हम कर रहे हैं। तो खाली 24 इंच का आपको ऐसा, वो भी ऐसे हो जाएगा, सारे फीचर सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं जी। ये क्या है भाई, और भी कुछ है क्या? ओह, स्टैंड तो मेन है यार। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब जैसे ये तो चला जाएगा प्रोडक्ट, बट जब विनर होगा, फिर मैं, जो भी विनर होगा, एक हम स्पेशल 24 इंच का बुक करेंगे, उनको शिप करवा देंगे। अगर दिल्ली में विनर हुए तो मैं खुद देने आऊँगा, मिल लेंगे आप लोगों से यार, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर इसके फीचर्स बताते हैं आपको। साइड बार क्या है, क्या है, इसके बारे में बात अभी करते हैं। अच्छा, लग गया। तो गाइज ये पूरा सेटल हो गया। ये यार, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, देख रहे हो आप, ये देखो यार, टनन है। तो भाई पूरी, मतलब फील, तुम्हें पूरी फील मिलेगी यार। तो ये आप में से कोई विनर बन सकता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, BenQ कहीं क्यों लें, क्या फीचर्स हैं, और जो ये स्क्रीन बार है इसका पर्पस क्या है, अभी देखते हैं। अब देखो इसके फीचर्स की बात करें गाइस, बेस्ट मॉनिटर फॉर प्रोग्रामिंग और कोडर्स के लिए है, और इसमें दो वेरिएंट हैं, एक है 24 इंच का, 27 इंच का। ये 27 इंच का है, बट जो मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ वो 24 इंच का रहेगा। एक ही है अभी, बाकी ऐसे आपका सपोर्ट रहा तो आने वाले टाइम में 10, 20, 30, 40 भी कर रहे होंगे जल्दी, ठीक है।
इसमें ना कोडिंग मोड है, तो अभी आप ये लैंडस्केप देख रहे हो, उसे आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, स्क्रीन को घुमा सकते हो, ठीक है, और अपना कोडिंग का एक्सपीरियंस और बेटर कर सकते हो। बाकी जी स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो, इसको आप टिल्ट कर सकते हो, है ना, और 90 डिग्री में, जैसे मैंने कहा। इसमें सपोर्ट करता है डेजी चेनिंग। अब डेजी चेनिंग क्या है, जैसे ये है, अब एक मॉनिटर है, इसके साथ मुझे एक और मॉनिटर कनेक्ट करना है, तो जी आराम से कर सकते हो आप, इसी के साथ एक और मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा इसी के साथ ही। इसमें आपको HDMI पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, राइट। दूसरी बात जो मुझे काफ़ी इसमें मस्त लगी, जैसे मैंने कहा कि आई केयरिंग, तो ये बेस्ट मॉनिटर है विद एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, आपकी आंखों का ध्यान रखा जाएगा, तो ब्राइटनेस इंटेलिजेंस से अपने आप एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे रूम की एम्बियंस लाइट होगी उसके हिसाब से इसकी लाइटिंग एडजस्ट हो जाएगी, और फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी है, एलिमिनेट कर देता है फ्लिकरिंग, ठीक है। बाकी कलर वीकनेस मोड है इसके अंदर। बाकी ना इसका एक इंटरनल BenQ का सॉफ्टवेयर है, ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आपको सब कुछ दिखाएगा कितनी लाइटिंग है, क्या है, इवन आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, 30 मिनट बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, या अगर लाइटिंग ज़्यादा है कम है, तो सब आप ऐप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल का है गाइस, और नॉइज़ कैंसिलेशन है, मीटिंग्स ले रहे हो आप, वो सारे इसके इंटरनल फीचर्स हैं, और बस जी कमाल एकदम, रोटेट करके जेड पैड कर दो कोडिंग, ठीक है। अब जैसे आंखों की बात हो रही है, और कभी कभी हम रात को कोडिंग करते हैं, हमें थोड़ी लाइटिंग, हम चाहते हैं सारे रूम की लाइटिंग ना जले, तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। मैं एक बार इसे कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप से, फिर इसको लगाते हैं। ये आपका स्क्रीन बार है, ये ऊपर लग जाएगा, तो इसमें अलग अलग लाइट्स हैं, कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये बड़ा अलग एक्सपीरियंस देता है। तो ये एक अच्छा काफ़ी प्रोडक्ट लगा मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी, एकदम चौकस हो गया हिसाब किताब। अरे वाह, जैसा आप गाइस देख रहे हो, मतलब प्रॉपर फील आ रही है इस टाइम। इसको वापस कर देते हैं, स्क्रीन एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं फील कर पा रहा हूँ, और मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है इस मॉनिटर से। HDMI केबल है इसमें, HDMI पोर्ट है, दो USB पोर्ट है, और आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है। बाकी वायर कनेक्ट कर रखी है, और जैसा आप देख रहे हो, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, मतलब मेरी स्क्रीन और मैं काफ़ी बड़ा बड़ा देख पा रहा हूँ, है ना, कोड सामने लिखा हुआ है। इसमें अच्छे फीचर्स हैं, आपको इनपुट मिलता है जिसमें USB है, HDMI है ना, लर्निंग वाला पार्ट है जिसमें केयर मोड है, कोडिंग मोड है, मैं कोडिंग मोड अनेबल कर सकता हूँ, तो क्या होगा, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। नाइट मोड है, ब्राइटनेस आप कम कर सकते हो, जैसे रूम में लाइट्स हैं उसके हिसाब से स्क्रीन की लाइटिंग एडजस्ट हो जाती है। बाकी गेमिंग मोड है, मूवी मोड है ना, और आई केयर में ब्राइट इंटेलिजेंस है, लो ब्लू लाइट प्लस है, कलर वीकनेस है, और पता है आप BenQ की ऐप को डाल के ये सब चीज़ें कंट्रोल वहाँ से भी कर सकते हो, और कलर मोड हो गया, ऑडियो कस्टम, काफ़ी सही है यार, मतलब चौकस सारा यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको रोटेट करना चाहो रोटेट भी कर सकते हो, तो सारे कंट्रोल्स आपको बॉटम में दे रखे हैं, और एकदम कर दो भाई फिर जेड पैड। इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, देख रहे हो आप, ये देखो जैसे चाहे वैसे, मतलब मज़ा, मतलब प्रीमियम फील आ रही है, आप मानोगे गाइस। तो यार जरूर इस पे पार्टिसिपेट करना गिव अवे में, बाकी मैंने लिंक दे रखा है, और अमेजन से आप इसे बाय कर सकते हो, और सेल्स चलती रहती है, प्राइम सेल, और 15 अगस्त तभी है, तो आप जाओ इसको बाय करो, 24 इंच 27 इंच। बाकी कमेंट जरूर करना जो मैंने क्राइटेरिया बताया, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बस जी आप एलिजिबल हो जाओगे इसको विनर के लिए, क्या पता आपका नाम आ जाए, ठीक है। बट मस्त चीज़ लगी यार, एकदम चौकस चीज़ बनाई है BenQ ने। बाकी मैं एक चीज़ ब्रांड को बोलना चाहूँगा, अगर वो टच भी ले आए तो भाई अलग ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, बेस्ट मॉनिटर फॉर कोडिंग में डेजी चेनिंग फीचर है, 60 वोल्ट तक ये प्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें लैपटॉप वगैरह फोन वगैरह चार्ज भी कर सकता हूँ, मान लो मेरे पास कोई USB केबल है, मुझे अपना फोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, तो ये सब फीचर है। बाकी मैंने आपको बताया आई टेक्नोलॉजी, लाइक आंखों का भी ध्यान रखा जाए वो सब चीज़ों, बस जी यही है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है इनका वो दिखाता हूँ, मुझे काफ़ी कमाल का लग रहा है ये भी, तो ये भी लाइटिंग के लिए, वैसे जैसे रात को अगर कोड करते हो आप तो इसको ऊपर लगा लो तो ऑटोमेटिकली लाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ें, से ओपन करते हैं फटाफट से, मतलब इतनी खतरनाक पैकिंग करके भेजी है, पर यार कोड देखने में गाइस मैं जो फील कर पा रहा हूँ ना वो अलग ही मजा है। अच्छा जी यार चीज़ तो यही, ये भी बढ़िया है यार चीज़, अच्छा तो ये पता है क्या है गाइस, ये लाइट ऊपर लग जाएगी, अच्छा तो ये यहाँ पे इस तरीके से, अच्छा USB वो दे रखा है, और यहाँ पे हम ये कनेक्ट, ओके देख रहे हो आप, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर पा लोगे, ये लग गया यहाँ पे, इसमें दिया USB पोर्ट, और यहाँ से मैं लाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ इस बटन से, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, देखें ज़रा जी क्या मैजिक है ये।
अच्छा ये मुझे अलग लगाना पड़ेगा। अच्छा ये लगेगा मेरे लैपटॉप में, जो ये वाली यूएसबी केबल है ये लग जाएगी हमारे लैपटॉप में। ठीक है, लग चुकी है। लाइटिंग अभी आई नहीं है, आएगी। और जो दूसरी वायर है टाइप सी वाली वो लग जाएगी पीछे। बाकी गाइस ये इसका कोडिंग मोड है, जैसे आप देखिए केयर मोड में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे केयर मोड में कोडिंग अभी ऑफ कर रखा है अभी, जैसे आप कलर देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ केयर मोड, ये देखो कोडिंग मोड, तो ये देख रहे हो अभी चेंज हो गया कलर, ये ऑफ कर दिया। तो अभी आप स्क्रीन देखो, मैं आपको लाइट थोड़ी बंद करके दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा फील कर पाओ। तो अभी देखना स्क्रीन पे क्या होगा, ये केयर मोड है, ठीक है, ये कोडिंग मोड है, चेंज हो गया। तो आप कोडिंग मोड में चेंज कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। ओके भाई चल गई है भाई यहाँ से ऑपरेट हो जाएगी जैसे ये, मतलब ठीक है। लाइट बंद करता हूँ, रुको दिखाता हूँ। पता नहीं आप कितना देख पा रहे होगे गाइस, पर ये देख रहे हो आप, लाइट जल चुकी है। तो यहाँ से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखो, देख रहे हो। ओह भाई ये अलग अलग कलर चेंज हो रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे दे रखा है, इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से यार चेंज कर सकते हो। अरे वाह यार, ओ भाई पूरी एकदम फील आ रही है अरे वाह नाइस। अच्छा ये बंद हो जाएगी, ये बंद, ओ बढ़िया यार, मतलब मतलब गाइस पूरा एकदम फील आ रहा है सो ये है गाइस, वैसे ये आपका पता है ये है स्क्रीन बार, तो इसको आप अपनी स्क्रीन पे ऊपर लगा सकते हो। दिस इज़ ऑप्शनल, आप ये बाय कर सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा। दिस इज़ स्क्रीन बार एलईडी क्लिप डेस्क लैम्प यू कैन से, और ऊपर आप इसको प्लग इन कर सकते हो। सही है यार, काफ़ी सही लग रहा है तो ये गाइस काफ़ी कमाल का फीचर है, और बेसिकली यू कैन से ऑटो डिमिंग फीचर है इसके अंदर। बाकी वार्म डे लाइट होती है, कूल डे लाइट होती है, अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट, यू कैन चेंज कलर्स ऑल्सो। तो काफ़ी कमाल का लगा यार, है ना। बाकी गिव अवे गाइस इसका है, 24 इंच का मैं गिव अवे कर रहा हूँ, और ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपने कुछ देखा होगा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा इस वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड बाकी मैंने इनका लिंक दे रखा है, सेल्स चल रही है अभी अमेजन प्राइम सेल्स है, 15 अगस्त की सेल है, और अगेन आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जाके यार ले लो इसको, बाय कर लो, पार्टिसिपेट कर लो, कमेंट कर देना अपना, और दैट्स इट। मिलता हूँ गाइस फिर आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए। बाकी डब्बे में पैक कर देते हैं इसको, ये चला जाएगा, बाकी जो विनर होगा फिर हम बुक करेंगे 24 इंच का, आपको शिप करवा देंगे। एंड दिस गाइस फेक गिव अवे नहीं है, एक्चुअल में है, आपको पता है मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो जी थैंक यू सो मच। बाकी पीछे का पोर्शन दिखाऊँ आपको, देख लो यार जाते जाते। तो पीछे पता है क्या है, पीछे आपको एक तो मिलती है केबल, दो यूएसबी पोर्ट है, एसडीवाई पोर्ट है, टाइप सी है। बस जी इस वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना, लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग पार्टिसिपेट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। चलो जी बाय बाय। ओके यार ये बहुत कमाल की चीज़ है गाइस, देखो इस तरीके से ये